Hi, this side Rachna Yadav. We are at VTech Institute in a conversation with the marketing director Surya sir. So, hi sir. सर आप अपने बारे में बताइए और आपके इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताइए. लाइक कब आपने सोचा कि आपको वी टेक इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहिए और कैसे आपकी जर्नी रही इसके? रचना जी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लाइक आई विल बी देयर टू सर्व दीज पीपल. लाइक मैं कभी इन बच्चों के लिए इतना कुछ कर पाऊंगा, आई हैव नेवर थॉट. बट ईश्वर की कृपा कुछ ऐसी हुई कि चीज़ें अपने आप ही बनती गई. लाइक मैं तो चला था घर से अकेला, लोग जुड़ते रहे और काफिला बनता गया. एंड आई नेवर थॉट, नेवर एवर आई थॉट कि मतलब मैं इस मुकाम पे आ पाऊँगा कि हमारा इंस्टीट्यूट इस लेवल पे आ जाएगा कि ऑल ओवर लाइक इंडिया से मेरे पास बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं पढ़ने के लिए. ईश्वर की कृपा से पैसे की कमी पहले भी नहीं थी. आई बिलोंग्स टू अ बिजनेस फैमिली, सो आई नेवर थॉट कि कभी ऐसी स्ट्रीम में आऊँगा कि इंस्टीट्यूशनल कुछ करूँगा या कभी बच्चे पढ़ाने का मौका मिलेगा. इंस्पिरेशन कहीं से ली नहीं, ईश्वर की कृपा थी, अपने आप ये चीज़ें होती चली गई. बस हर आदमी ना कुछ अपना एक सीक्रेट ढूंढता है कि व्हाई ही इज़ बोर्न. मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैसेज क्या है, किस लिए आया हूँ? तो मैं शुरू से ये सोचता था, बचपन से सोचता था कि कुछ ऐसा हो कि यार लोगों को रोज़गार नहीं दे सकते तो खाना दो, खाना नहीं दे सकते तो उनकी सेवा करो. और मिरेकुलसली इट हेल्प लाइक मी बाय माई गॉड कि मैं आज इस पोजिशन पर आ गया, ये चीज़ें बन गई. और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ना इस पर्पज़ से खोला कि जब मैं जाऊँ इस दुनिया से तो मेरे पास कम से कम ये सुकून हो कि मैं 4-5 हज़ार बच्चों को रोज़गार दे चुका हूँ, 4-5 हज़ार परिवार पल रहे हैं. तो मैं एक ज़रिया बना बस खाली ऊपर वाले का, और कोशिशें करता रहा करता रहा, आज भी जारी हैं. और दिन ब दिन तरक्की भी होती गई, बच्चे बहुत सेटिस्फाइड हुए, उनकी दुआएँ हैं. और मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी के मदर फादर नहीं है, किसी की मम्मी कूड़ा बिनती है, कोई बिलोंग्स टू वेरी पुअर फैमिली, तो वी हैव अडॉप्टिव देम ऑल्सो. और यहाँ पे करोड़पति के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पुलिस वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, रिक्शे वाले के बच्चे भी पढ़ रहे हैं. कॉज बस यही था कि एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज़ और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे जस्ट फैच मनी फ्रॉम द पुअर पीपल एंड दे प्रोवाइड नथिंग इन दैट. रिटर्न में वो कुछ नहीं देते आपको, बस सपने दिखाएंगे कि आप, मैं कोर्सेज का नाम नहीं लूँगा, दे आर लॉट ऑफ कोर्सेज कि आप ये कोर्स कर लो, ये डिग्री कर लो, ये कर लो, ये कर लो. एंड आफ्टरवर्ड्स बच्चा वही घूम रहा है, माँ बाप ने अपनी गाड़ी कमाई दे दी और उसके बाद एक बेरोज़गार और मार्केट में एड ऑन हो गया. तो वी हैव थॉट कि ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये इतने शॉर्ट स्पैन में कोई आपको इतनी डिटेल्ड नॉलेज नहीं दे रहा कार इंडस्ट्री के बारे में. और कार इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो इट्स नॉट गोइंग टू एंड. आप किसी और मार्केट के बारे में हम बात करें तो देर कैन बी एंड और लाइक पॉज भी लग गया था कोरोना के टाइम में, बट कार इंडस्ट्री नहीं बंद हुई ना बंद होगी. और गिविंग देम जॉब और गिविंग देम एक रोज़गार, स्किल बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. और विदाउट स्किल आई डोंट फील कि मतलब आप कुछ कर सकते हैं. इवन अगर आप एक कारपेंटर ही हैं, आप एक सफ़ेदी वाले हैं, आपका हाथ साफ है, लाइक आपके हाथ में हुनर है किसी चीज़ का, चाहे पंचर बनाने का ही क्यों ना हो, तो आप कभी भूखे नहीं मरेंगे. और सबसे जो बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी है, जो मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि यू कैन बाय एनीथिंग बट यू कैन नॉट बाय टाइम. आप किसी का वक्त नहीं खरीद सकते कि मेरा वक्त चला गया तो और मैं बोलूँ कि भैया 1 करोड़ रुपए ले लो, मुझे 16 साल का बना दो, मुझे 20 साल का बना दो, दैट कैन नॉट बी पॉसिबल. तो दैट वाज माय ओनली विजन कि इन बच्चों का एक तो टाइम ख़राब ना हो और उसके बाद ये साल भर में अपने परिवार का एक जिम्मेदार हिस्सा बन जाए. दे कैन बी अ गुड अर्निंग और लाइक दे कैन बी अ हेल्पफुल हैंड फॉर देयर मदर एंड फादर. किसी ने कैसे कैसे करके अपने बच्चे को पाल पोस कितना बड़ा किया, उसके बाद पढ़ाया लिखाया और फिर वो बेचारा आज धक्के खा रहा, नौकरी ढूंढ रहा है, फॉर्म भर रहा है कहीं पे. तो मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा किसी चीज़ से, बट ये है कि मेरा एक ख्वाब है कि मैं जब जाऊँ तो मैं 4-5 हज़ार परिवारों के लिए कुछ ना कुछ रोज़गार का साधन करके जाऊँ. दैट वॉज ओनली, और ईश्वर ने मेरे को इस लायक बनाया, मैं उसके लिए बड़ा आभारी हूँ ऊपर वाले का. थैंक यू फॉर आपकी आप यहाँ आया, थैंक यू माई गॉड, आई थैंक यू माई गुरु जी जिन्होंने मेरे मैसेज को मुझे समझाया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं उस मैसेज को प्रैक्टिकलिटी में अपनी लाइफ के अंदर उतार सकूँ. ओके, सच ए काइंड हार्ट यू हैव सर. एंड जैसे कि इंस्टीट्यूट में, जैसे कि आपने बताया कि ड्यूरेशन जो है कोर्सेज की 1 ईयर की है, जितना आप टाइम स्टूडेंट्स का सेव कर सकते हैं. सो आपने बताया कि सर यहाँ पर फिक्स्ड होता है कि लाइक दिल गट जॉब. लुक रचना, मैं रिक्रूटमेंट्स के ऊपर एक अलग से विंग बना रखा है जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट इज वर्किंग. वी हैव स्टार्टेड दिस कोर्स फॉर अवर ओन फैक्ट्री. एक्चुअली वी वर लुकिंग फॉर सम पीपल्स दे कैन वर्क इन अवर फैक्ट्री, बट आई थॉट कि यार
कि सिर्फ उनको ही क्यों रोज़गार दूँ जो मेरी फैक्ट्री में काम करेंगे, और मेरी फैक्ट्री में लिमिटेड लोग ही काम करेंगे, आफ्टरवर्ड्स जो बाकी का बेरोज़गार बच्चा घूम रहा है वो कहाँ जाएगा। तो वी हैव स्टार्टेड अ रिक्रूटमेंट कंपनी ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट विच इज़ जस्ट परफॉर्मिंग एंड विच इज़ जस्ट लुकिंग आफ्टर फॉर कि इन बच्चों की रिक्रूटमेंट्स कहाँ से हो। तो आई डू हैव कॉन्टैक्ट्स और मैं उस पर अलग से बहुत काम कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैंने किसी बच्चे को ये नहीं बोला कि भैया हम आपको एक बार जॉब पे लगा के देंगे, यू गेटिंग मी, कि बेटा तू काबिल बन जा और उसके बाद पूरी ज़िंदगी मैं तेरा हाथ थामे रहूँगा। मेरे यहाँ पे अगर ऑलमोस्ट 100 स्टूडेंट्स हैं तो दे टेक मी एज अ फादर, दे टेक मी एज अ बिग ब्रदर। और मेरा भी वही उनको देखने का नज़रिया है कि जितना मैं अपने बच्चे से प्यार करता हूँ मैं उतना ही प्यार उनसे करता हूँ। या दे डू हैव अ पॉजिटिव लाइक एटीट्यूड टॉवर्ड्स यू। ये सब तो ऊपर वाली कृपा है कि शायद मैं इस लायक बन गया, वो मुझे मानते हैं। और सबसे मेन बेसिक ये था कि मैंने ये काम पैसा कमाने के लिए नहीं किया, ये मैंने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए किया है कि पैसा तो एक दिन आपको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर जाने का कोई जुगाड़ नहीं ना ले जाने का साथ में, कोई बंदोबस्त नहीं है। तो आई नेवर लव्ड मनी, आई लव्ड पीपल एंड आई अर्न, मतलब इससे ज़्यादा मैं क्या कमाऊँगा कि किसी भी आप किसी को इतने पैसे दे के कभी ये इमोशंस ये रिलेशन नहीं खरीद सकते। ये बच्चे मुझे आज जुड़े हैं और मैं इनसे बोलता हूँ कि टिल माई लास्ट ब्रीथ आई एम विद यू पीपल, कि बेटा मैं जब तक हूँ तुम्हारे लिए बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें करूँगा। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स कार के बारे में भी स्टडी करा रहा हूँ एंड आई एम रिसर्चिंग ऑन दैट ऑल्सो, आई एम नॉट सिटिंग लाइक आइडली। मैं 24 घंटे में से ऑलमोस्ट कोई 18 से 19 घंटे काम करता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार कुछ ना कुछ रोज़ कुछ नया निकाल के लाऊँ कि मेरे बच्चों को हेल्प करेगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे रेसिज्म नहीं है, कास्टिज्म नहीं है, अमीर का बच्चा भी साथ बैठ के खाएगा, गरीब का बच्चा भी साथ बैठ के खाएगा, कोई गोरा काला जात पात हम उसमें बिलीव नहीं करते। और मेरा मैसेज भी यही है सबके लिए कि टुगेदर वी कैन, अलोन मे बी वी कैन और वी कांट, बट हाँ हम साथ रह के इट्स अ फैमिली काइंड ऑफ मैंने बनाया कि बच्चे तुम 10 साल बाद भी आओगे ना मेरे पास तो मैं तब भी तुम्हारे लिए खड़ा हूँ एज अ ब्रदर एज अ फादर एज अ वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट मी। दैट्स रियली स्वीट सर। जैसे कि अभी स्टूडेंट से भी बात हो रही थी एंड सारिका मैम से भी बात हुई कि लाइक एक्स्ट्रा कोर्सेज भी आप प्रोवाइड करा रहे हैं अलोंग विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्स यू गाइज आर प्रोवाइडिंग। मैं नहीं चाहता कि यहाँ से जो बच्चा निकले वो सिर्फ एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन के निकले या वो एक खाली कार का मैकेनिक बन के निकले या वो खाली सिर्फ इंग्लिश स्पीकिंग करके निकले। आई वॉन्ट कि यहाँ से जब वो बच्चा निकले ना तो उसके पास इतनी सारी चीज़ें हों कि उसको लगे कि हाँ उसने यहाँ से कुछ सीखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे आगे जाके इतना नाम कमाएं और आई एम गिविंग देम सच काइंड ऑफ कोर्सेज अलॉन्ग विद दिस की जिनकी फीस बाहर ले लाख लाख दो दो लाख रुपए सेशंस की हैं, आई एम प्रोवाइडिंग देम ऑल्सो, मतलब मैं उनको टोटल अपलिफ्टिंग के लिए प्रमोट करता हूँ, उनको मोटिवेट करता हूँ कि बेटा सिर्फ ये नहीं कि आप गाड़ी के कारीगर बन गए और सिर्फ ये नहीं कि आप एक इंजीनियर बन गए, सिर्फ ये नहीं कि आप एक लाइक इंग्लिश स्पीकिंग गुड पर्सनैलिटी आपने अचीव कर दी, आपको सबसे पहले एक बेहतर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने बच्चों से यही उम्मीद करता हूँ या उनको बोलता भी यही हूँ कि यहाँ पे भैया तुम एक बेहतर इंसान बन के निकलो कि जब आप कहीं जाओ तो मेरा फ़ख्र से ना सीना चौड़ा हो जाए कि हाँ भाई मैंने इस दुनिया में आया हूँ, ये नहीं कि भैया मैंने खाया और इन्जॉय किया और चला गया, कि नहीं मैंने कुछ किया है, आई मेक अ चेंज। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे 100 बच्चे भी सफल हो जाते ना तो मेरी ज़िंदगी बहुत सफल हुई। दैट्स वट ऑल आई नीड इट फ्रॉम माई गॉड एंड ही गिवन मी सच ग्रेटिट्यूड, भगवान का बहुत बहुत ज़्यादा करता हूँ और शायद उसकी वजह से ही मैं आ जाऊँगा। ओके सर, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट इंस्टीट्यूट? इंस्टीट्यूट में हम सपना है जो धीरे धीरे यहाँ तक हमारा पूरा हुआ और आगे मैं यही चाह रहा हूँ कि इसको और बेटर लेवल पे लेके जाऊँ, जहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है उस जगह पर, रिमोट एरियाज में भी जहाँ डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ लोगों को पता ही नहीं उन्हें करना क्या इन फ्यूचर। तो यू कैन से कि कार इंडस्ट्री ओवरऑल इंडिया नहीं ओवरऑल वर्ल्ड में ही है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट ऑल्सो कि जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं मैं उनको भी सपोर्ट करना चाहता हूँ। आई एम वर्किंग ऑन दैट ऑल्सो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दुबई इंटर्नशिप, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर हॉन्गकॉन्ग, आई डू हैव एजेंट्स, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। बट मैं जल्दी से ना कोई भी, जैसे मैं अपने सगे बच्चे को किसी वीराने में नहीं भेज सकता तो वैसे ही ये बच्चे भी मेरे बच्चे जैसे ही हैं। तो जब तक मैं चीज़ों को और बेटर ना कर पाऊँ, देखिए चंदन का पेड़ जब बड़ा होता है ना तभी खुशबू देता है, उसको भी एक उम्र लगती है खुशबू देने के लिए। तो लाइक एफर्ट्स कर रहा हूँ, गॉड इज़ विद मी और ये लोगों की दुआओं का असर है कि आज हम 2 ब्रांचेस पे हैं और ईश्वर ने चाहा तो वी आर गोइंग टू प्लान अप फॉर मोर देन 100 ब्रांचेस बाय 2024। लेट्स होप फॉर द गुड। गुड लक फॉर दैट सर एंड आल्सो एनी काइंड मैसेजेस फॉर योर लवली स्टूडेंट्स। बस खुश रहो, आबाद रहो, यहाँ रहो या गाजियाबाद रहो। So this is, thank you so much sir for giving me your precious time. This is the conversation with Mr. Director. Thank you sir. Thank you.